बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ब्रीथ इनटू द शैडोज, जो एक नया सीरीज है जो कल 10 जुलाई को रिलीज हुआ है। सबसे पहले ये सीरीज आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम में। इसके टोटली 12 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक का है, यानी कि आप 9 घंटे अगर एक साथ पूरा बैठ जाते हो तो 9 घंटे के अंदर आप ये पूरा सीरीज देख सकते हो। इसको डायरेक्ट किया है मयंक शर्मा ने। इसमें एक्टिंग कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन और अमित शाह। पहला वाला सीजन जो था वो भी ब्रीथ नाम का ही था, जिसमें एक्ट कर रहे थे आर माधवन और अमित शाह। पहले वाले सीजन और दूसरे वाले सीजन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने पहला वाला सीजन नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप इस सीजन को स्टार्टिंग से फ्रेश नहीं देख सकते क्योंकि इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन पहले वाले सीजन और दूसरे वाले सीजन को लोग जरूर कंपेयर करेंगे क्योंकि नाम जो है वो है ब्रीथ, यानी कि दोनों में वो है तो वो जरूर कंपैरिजन होगा। कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली में, जहां पे अभिषेक बच्चन एक साइकेट्रिस्ट है। वो वहां पे अपनी वाइफ नित्या मेनन के साथ रहते हैं जो एक शेफ है। इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है सिया। अभिषेक बच्चन एक साइकेट्रिक होने के कारण उन्होंने दिल्ली पुलिस को बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में मदद किया है, यानी कि वो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में बहुत उनका दिमाग अच्छे से चलता है। और यहीं पे अमित शाह को दिखाया गया है, जो पहले वाले सीजन में भी पुलिस ऑफिसर थे, इस सीजन में भी वो पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके पास की गलती के कारण उनको 6 महीने की जेल होती है। जेल से बाहर निकलते ही उनको मुंबई से दिल्ली भेजा जाता है एक केस को सॉल्व करने के लिए। सो कहानी स्टार्ट तब होती है जब अभिषेक बच्चन अपनी बेटी सिया के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वहां पे देखते ही देखते उनकी बेटी बिल्कुल गायब हो जाती है। किडनैपर ने 9 महीने तक अभिषेक बच्चन या नित्या मेनन इस बच्चे के पेरेंट्स को बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं किया है। ये लोग बहुत रिच है तो उन्होंने पैसे, जमीन, घर सब कुछ रेडी कर रखा होता है, लेकिन 9 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं होता है। पुलिस भी सर्च कर रही होती है लेकिन इस बच्चे का कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ नहीं मिलता। 9 महीने के बाद एक इनको पार्सल मिलता है जिसमें से ये किडनैपर, जो बिल्कुल साइको है, ना वो ना पैसे मांगता है, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं, बट उसकी जगह वो चाहता है कि अभिषेक बच्चन अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ लोगों का मर्डर करे। बहुत ही साइको किलर है। यहाँ पे साइको किलर ने मास्क पहना है, जो आप देख सकते हैं असुर जैसा सीरीज जो वूट में आता था वहां पे भी मास्क पहना है, उसका कुछ रेफरेंस यहाँ पे लिया हुआ है। सो बड़ी ही अलग सी मांग रखी जाती है इस साइको किलर की तरफ से। अभिषेक बच्चन को अपनी बेटी की सास से बचाने के लिए कुछ लोगों का मर्डर करना पड़ता है। तो यहाँ एक बाय एक, वन बाय वन मर्डर होता रहता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुंबई से दिल्ली में भेजा जाता है अमित शाह को। अब यहाँ पे अमित शाह की एक्टिंग के बारे में जरूर मैं बात करूंगी। ज्यादा उनका कुछ डायलॉग नहीं है लेकिन आंखों से वो जो मारते हैं, जो अपना पूरा एक्सप्रेशन देते हैं, उसकी वाह वाह करनी जरूर चाहिए। जो जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया है, उनका दिमाग एक क्रिमिनल के दिमाग से भी ज्यादा तेज चलता है, इसलिए उनको इस केस में लिया गया है। ये साइको किलर बहुत ही अजीब सा है। अभिषेक बच्चन के सामने बहुत अलग अलग लोगों को रखते हैं जिन्हें इन्हें मारना है। यहाँ पे इमोशंस के साथ खिलवाहट की जा रही है, यानी कि इमोशंस को यूज करके अभिषेक बच्चन को लोगों को मारना है। यहाँ पे रावण जैसे कैरेक्टर का यूज किया गया है, यानी कि रावण का जो 10 सर है, उस 10 सर के एक एक इमोशंस को लेके यहाँ पे लोगों को मारना है, जो आपको कहीं भी बिफोर कोई भी सीरीज में या बॉलीवुड मूवी में भी देखने को नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में एक कंपैरिजन ये है। फर्स्ट सीरीज में इसमें माधवन के सामने ये रखा जाता है, हाउ फार विल यू गो टू सेव योर सन। सेकंड सीरीज में अभिषेक बच्चन के सामने ये रखा जाता है, हाउ फार विल यू गो टू सेव योर डॉटर। तो यहाँ पे ये पूरा चीज दिखाया जाता है कि अभिषेक बच्चन एक साइकेट्रिस्ट जो पुलिस को पूरी मदद करते हैं, पुलिस को रखकर कैसे वो लोगों को मर्डर करते 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 जाते हैं। यहाँ पे अमित शाह को पकड़ना है कि वो मर्डरर कौन है और साथ ही साथ वो किडनैपर कौन है। तो बहुत ही ट्विस्ट, बहुत ही टर्न, बहुत मजेदार है, लेकिन कहानी जो है बहुत ज्यादा खिंचती है। 12 एपिसोड्स है ये, वो लोग 9 to 10 एपिसोड में खत्म कर सकते थे। यहाँ पे एक्टिंग की बात करें तो अभिषेक बच्चन ने कुछ कुछ सीन्स में बहुत अच्छे से एक्टिंग की है लेकिन कुछ कुछ सीन्स में बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है। नित्या मेनन की बात करें तो वो बहुत ही अच्छी साउथ इंडियन एक्ट्रेस है लेकिन यहाँ पे अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन का कोई भी केमिस्ट्री ठीक से नहीं बैठा। सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो श्रुति बपना ने जो एक्टिंग की है वो बिल्कुल मस्त है। पूरी
सीरीज को अपने कंधे में लेके ही चलती है। साथ ही साथ प्लबिता ने भी बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, उसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे सयामी भी है जो पीछ-पीछ में दिखती है अपने एक अद्भुत कैरेक्टर के साथ, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। जो असिस्ट करते हैं अमित सर को वो है ऋषिकेश, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। यानी कि सपोर्टिंग एक्टर्स जितने भी आपको यहाँ दिखेंगे बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। अमित सर की बात ही अलग है, उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है। जस्ट विश कि अभिषेक बच्चन की जगह अगर माधवन को लेते तो ये सीरीज उलट पुलट के रख देते, क्योंकि माधवन की एक्टिंग की बात ही अलग है। लेकिन डेफिनेटली इसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की है, अच्छे से एक्टिंग की है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो एक्सप्रेशन और अच्छे से आता तो बात ही अलग होती। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को किडनैप किया तब भी उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो बड़ा अजीब लग रहा था कि ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। तालमेल नित्या मेनन और अभिषेक बच्चन का बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पूरी कहानी अभिषेक बच्चन के पास पे बेस्ड है। यहाँ पे पास को लेकर और इमोशंस को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन सब इमोशंस, इन सब चीजों को लेकर बनता है ये थ्रिलर सस्पेंस सीरीज। पूरी सीरीज में कोई भी गंदा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सीरीज में बहुत ज्यादा गंदे बैड वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज में कहीं पे भी कोई भी गंदे लव्स बिल्कुल भी यूज नहीं हुए हैं। जिस तरह अमित साहब उस किलर तक पहुंचते हैं, उस साइको क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है देखने का। बट यही विश करते थे काश ये ज्यादा लंबा खिंचता नहीं और कम होता तो बहुत ही अच्छा होता। और थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट उन्होंने जो बीच बीच में खिंच खिंच के डाला उसको अगर कम करते तो भी अच्छा होता। तो ये है ब्रीथ की पूरी स्टोरी। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ ब्रीथ 1 को मैं रेट करती हूँ 5 out of 5 और ब्रीथ 2 यानी कि ये जो अभिषेक बच्चन का सीजन है उसे मैं रेट करती हूँ 3 out of 5। डेफिनेटली बिकॉज लैक ऑफ एक्टिंग, केमिस्ट्री और ज्यादा खिंचने से 2 points जरूर कम हुए हैं। ब्रीथ 1 वॉज टू गुड। एक एक एपिसोड खत्म होने के बाद लगता था कि अगले में क्या है, अगले में क्या है, ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखता। तो ऑफकोर्स फर्स्ट के कंपेरेटिवली 2 बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी आज के इस लॉकडाउन में जब हमारे पास कुछ ज्यादा देखने के लिए है नहीं, हम इसे देख के बिल्कुल मस्त और एंजॉय कर सकते हैं। सो मेरा टेक फॉर दिस इज 3 out of 5। आई होप आपको मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं कोई और सीरीज को रिव्यू करूं तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई एम गोना सी यू ऑल्सो इन मोर वीडियोस। टिल देन बाय।